सीवान में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक डॉक्टर और एमआर की मौत हो गई है। वहीं राजद नेता और एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सीवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के गोपालचक मोड़ के समीप की है, जहां खड़ी ट्रक में धक्का मारने के कारण दो लोगों की मौत हो गई और वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत व्यक्ति की पहचान गोपालगंज जिला के वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी बनकटी गांव निवासी मनीष कुमार सिंह की पुत्री डॉक्टर मुस्कान कुमारी और गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र निवासी त्रिलोकी सिंह के पुत्र एमआर रणधीर कुमार सिंह के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान गोपालगंज के राजद नेता प्रदीप देव और उनके चालक विकास सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घायल विकास का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि राजद नेता प्रदीप देव को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया जाता है कि राजद नेता प्रदीप देव, डॉक्टर मुस्कान कुमारी, एमआर रणधीर कुमार सिंह और चालक विकास कुमार सिंह एक ही गाड़ी में सवार होकर गोपालगंज से सिवान जिला के तमाम फेफड़ा कैंसर टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। मैरवा में किसी शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद ये सभी वापस गोपालगंज जा रहे थे, तभी मैरवा थाना क्षेत्र के गोपालचक के समीप एक खड़ी ट्रक में इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें डॉक्टर और एमआर की मौत हो गई, जबकि राजद नेता और उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर मैरवा थाना पुलिस पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए प्रदीप देव को पटना रेफर कर दिया गया।